हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो आलिशान महल देख पा रहे हैं, ये इंडिया का सबसे वेल मैनेज्ड और सबसे जिसे कहेंगे कि अपडेटेड महल है। और ये है मैसूर के राजा का महल। और ये महल बनाया था 1905 या 1906 के आसपास, यानी 107-108 साल इसको हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी वेल प्लान्ड महल है, वेल डेकोरेटेड है और पूरी तरह मैनेज है। ज़्यादातर जब हम पैलेस और फोर्ट्स में जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी मैनेज नहीं होते, लेकिन इसको मैंने अंदर से भी देखा है, पूरी तरह मैनेज है। दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी का भी यही महत्व है कि उसमें ये सिर्फ नहीं है कि आपने ACL सर्जरी कर दी और आपका अच्छा रिजल्ट्स मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। उसको जो मैनेज करने का तरीका होता है वो ये होता है कि एक बार जब सर्जरी करा के आप घर जाते हैं तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ज़्यादातर जगह मैं ये प्रॉब्लम देखता हूँ जो मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि सर, हमने सर्जरी तो करा ली लेकिन डॉक्टर का और उसके बाद हमारे से कम्युनिकेशन गैप हो गया। डॉक्टर साहब ने हमें बताया नहीं कि कसरत कैसे करनी है या पैर कब मोड़ना है या कितने दिन में वॉकर छोड़ना है, कितने दिन में नी प्रेस छोड़ना है। और इसकी वजह से उनको हमारे जो सर्जरी के जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम रहता है जिसमें कि आप रात के 12 बजे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और एक्सरसाइज के बारे में बारीक से बारीक जानकारी ले सकते हैं। हम आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप एक्सरसाइज सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पैर का जो मसल्स है वो बन रही है कि नहीं बन रही, हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप्स सही हो रही है कि नहीं हो रही। और इस तरीके से जब आपको प्रॉपर पल पल की गाइडेंस मिलती है तो आपको जो सर्जरी के रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी मैसूर आएँ तो इस पैलेस पर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ACL संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।